भैया एक रोज देना और जरा अच्छी तरह से रोस्ट करके देना है ताकि जरा मजा आए। भैया बैंगन मिल जाएंगे क्या? रोस्ट करके दे सकते हो? ये सही रोस्ट करेगा। चाचा ये अनार को रोस्ट करो तो माइंड तो नहीं करेगा? जब तक अच्छे से रोस्ट ना करो मजा कहाँ आता है। अबे मैं खुद ही रोस्ट ना हो जाऊं। वैसे तो ये टॉक टॉक शो है, लेकिन इस शो में हम टॉक के अलावा और बहुत कुछ करेंगे, और वो बहुत कुछ क्या है ये आपको भी थोड़ी देर में पता चली जाएगा। आपकी मुलाकात कराएंगे आपके सारे फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ और उनसे पूछेंगे वो सवाल जिनके जवाब देने से वो घबराते हैं। ये वाले भाई घबराते हैं नहीं घबराते, लेट्स फाइंड आउट। यूं तो अक्सर वो कड़वी बात कर जाते हैं और कोई माने ना माने, मैं 100% इस बात पर यकीन रखता हूँ कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं, कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्सीज का बेताज बादशाह भी कहते हैं। आए उनको बुलाएं और उनसे पूछते हैं कि ये कंट्रोवर्सीज वो खुद क्रिएट करते हैं या क्रिएट हो जाती हैं। ख्वातीनो हजरात यासिर हुसैन। ये कैसी शुरुआत थी हमारी? बनते तुम्हारे दो हैं वैसे। होती है सारी बात होती है। यासिर वेलकम, कैसे हैं आप? यहाँ है ना? यहाँ है। मैं वहाँ हूँगा। नहीं यहाँ आ जाए इधर। ये आपका एंगल कौन सी प्रोफाइल अच्छी है? मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप कर रहे हो? दोनों करेंगे मिलके। ओके फिर बैठ जाते हैं कहीं। फिर कहीं भी बैठ जाते हैं। हाँ यहाँ बैठ जाते हैं। यासिर आपको पता है मैंने आज ही एक बात रियलाइज की है, एक ऐसा नाम है जिससे आपको और मुझे एक जितना डर लगता है, गेस करें वो नाम क्या हो सकता है? इकरा से आपको क्यों डर लगता है? मेरी बीवी का नाम भी इकरा है। अरे लेकिन आपने मान लिया कि आपको डर लगता है इकरा से? किस मुझे तो लगता है भाई इकरा किस शरीफ आदमी को अपनी बीवी से डर नहीं लगता? तो जो शरीफ नहीं होते उनको नहीं लगता फिर? नहीं तो ये मतलब ये एस्टैब्लिश हो गई बात के मैं और यासिर दोनों शरीफ हैं। बिल्कुल, और हम डर के मारे ही शरीफ हैं। ये गहरी बात थी। यासिर माशाल्लाह 16 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया, एंड क्योंकि आप उम्र नहीं छुपाते आप बता चुके हैं कि अब आप 36 के होने वाले हैं। सो 36 साल की उम्र में एक आर्टिस्ट का ये कह देना कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, दैट इज़ माशाल्लाह ह्यूज अचीवमेंट। मैं चाहूँगा कि इस बात के ऊपर हम सब मिलके तालियां बजाएं। ये मुझे भी नहीं पता था, मेरे ख्याल में नहीं बनते 20, कोई इतना ही 16, अगर 16 की उम्र में शुरू किया आपने तो आप 36 के होने वाले हैं। बट वो पहला जो मेरा प्ले था जिसको आप काउंट कर रहे हैं अगर, तो वो जैसे ये खड़ा हुआ ऐसे मैं खड़ा था उसमें। काम तो शुरू स्टार्ट आपने स्टार्ट तो कर दिया ना। हाँ, इन 20 सालों में या चले अगर आप नहीं भी लेते 15, 16, 17 सालों में, 18 सालों में माशाल्लाह आपने होस्टिंग भी की, आपने राइटिंग भी की, आपने एक्टिंग भी की, आपने टीवी पे एक्टिंग की, फिल्मों में एक्टिंग की, थिएटर में एक्टिंग की, इतनी अकम्पलिशमेंट्स हैं, लेकिन आपको अभी भी ये लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट ये है कि अनवर मकसूद साहब आपको जानते हैं? बिल्कुल जी, ये बड़ी बड़ी गहरी बात है। ये पहली कॉल पे मेरा फोन उठा लेते हैं, फोन करवा नहीं लीजिएगा ये टाइम नहीं होंगे इस वक्त फोन उठाने का, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ बहुत, हम दोनों ने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी है मौला जट, हम दोनों उसका हिस्सा नहीं थे, अगर होते तो शायद मैं कहता कि ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ है, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर कुछ ऐसा सच कुछ बहुत बड़ा हमने नहीं किया अभी तक। बट मैं अनवर साहब की बात पे वापस जाना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप बहुत वोकली इस बात का इजहार करते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आर्टिस्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती जिसका वो डिजर्विंग है। मैं भी उतना ही हूँ। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की वो कदर नहीं है जो बाहर के मुल्कों में? और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ये रीसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे जब हम अवार्ड्स हुआ आप भी गए, मैंने भी उस पर ट्वीट किया कि साथ ही साथ पाकिस्तान का एक सीरीज चल रही थी, मैच था कराची में, नेशनल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, किसी ने नहीं पूछा भाई ये जो टिकट खरीद के आए इन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए कितने पैसे दिए? नहीं, क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस बाहर कॉफियाँ पी रहे हैं, मैं होस्ट कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, तो इस पर एतराज़ है।
भाई एक जो कूड़ा चुनने वाला बच्चा है ना, उसने भी फ्लड विक्टिम्स के लिए काम किया है और हमने भी किया, हम सबने किया, तो बस ये जज करना बंद कर दिया जाए अब। क्यों, ये आपको क्या लगता है ये परसेप्शन कहाँ से डेवलप होती है लोगों में? ये डायरेक्ट असफर से पूछ लो ना, मुझे क्यों बुलाया तुमने? आपके पास वॉइस नोट है ना असफर का? मेरे पास तो नहीं है। आपने खुद लिखा है? क्या लिखा है? कि अपने इंस्टा स्टोरी पे। मेरे पास असफर के लिए नहीं था। एक बंदा है यासिर जिसने अपनी इंस्टा स्टोरी पे या बकायदा ये ऐलान किया कि मैंने नहीं जाना हम अवार्ड्स के लिए, मेरे टिकट और होटल के पैसे दे दो किसी को। फिर इसका मतलब आपकी रिसर्च कमजोर है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ने लिखा। अच्छा चले दो के नाम और बता दें। नहीं नहीं ये तो मैं नहीं बताऊंगा। एक ही ने लिखा है? ना, ना, नहीं, नहीं, औरों ने भी लिखा, औरों ने भी लिखा है। मैंने हमेशा ये चीज देखी है हमारे एक्टर्स में, जो सबसे बुरी बात है कि अगर किसी एक एक्टर की खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो रही है या किसी एक एक्टर के ऊपर बुरा वक्त आ गया, उसने कोई ऐसी बात कर दी है कि लोग उसको लान तान कर रहे हैं, तो तीसरा और चौथा एक्टर जो है ना देखेगा यार ये अच्छा मौका है, इसके अंदर मैं कूदता हूँ और कहता हूँ कि हाँ इन्होंने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत इंसान है, चलो थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, थोड़ी लाइक्स मिल जाएंगी। ये सबसे मतलब ये ऐसी है जैसे मरे हुए इंसान का गोश्त खाना मेरी नजदीक, कि अगर किसी की एक चीज चल रही है उसमें कूद जाना खामखा में अच्छे बन के, ये बहुत ज्यादा होता है हमारे। लेकिन बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि बड़ा एक ओपिनियन रखते हैं कुछ मामलात पे और वो बोलते भी हैं। आप खुद बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं और आप शाय नहीं करते। मैंने जब भी कुछ कहा है ना वो स्टार्ट किया मैंने चीज को। अच्छा। मैंने एक चलती चीज के अंदर कभी नहीं घुसा। सोनिया और मंशा के फड्डे में, सोनिया और मंशा का फड्डा था या किसका, मंशा और भाई इस लड़के को एक लैपटॉप ला के दो, ये ऐसे मुझसे बात नहीं कर पाएगा। कर तो नहीं, सोनिया और मंशा का फड्डा। सोनिया मंशा का कौन सा फड्डा था भाई? मंशा और आपको मंशा ज्यादा पसंद है? आपको जिब्रान इतना सूतेगा ना कहीं पकड़ के। मंशा के साथ कौन था बता दें आप? मुझे नहीं पता भाई मंशा के साथ कौन था। अच्छा ठीक है, तो आपका ओपिनियन ये है कि किसी और की जब इस तरह दो सेलिब्रिटीज आपस में बात कर रहे हैं बीच में नहीं आना चाहिए। देखे आप एक फनी वे में आ जाए, जब अवाम किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए और दो तीन दिन में वो डाई डाउन कर जाता है। जैसे ही आप एक ट्वीट करते हैं वो दोबारा दो तीन दिन और ले लेता है, तो उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, वो नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। लगता है आपके काफी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जो आपने ये मेरे तो मेरे साथ तो कई लोगों के बेचारों के मिलियंस तक फॉलोअर्स पहुंच गए आपका नाम ले लेके। बिल्कुल अच्छी बात है यार। बिल्कुल ऐसे भला हो गया किसी का, अच्छी बात है। मैं तो अपने लिए तो बुरा नहीं बना रहा, मैं बाकियों के लिए कह रहा हूँ जो घबरा जाते हैं। कोई नहीं, घबराना नहीं है, किसी ने भी नहीं घबराना। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अभी आपकी जो आगे चलते हुए आपको लगता है कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होगी वो शायद ये हो कि कोई आप ऐसी फिल्म डायरेक्ट करें या कोई ऐसी फिल्म में काम करें जो लोग याद रखें। एक फिल्म की है जावेद इकबाल, आई थिंक अगर आप उसे मेरी अचीवमेंट कहें तो बेहतर होगा, लेकिन वो चली नहीं है और शायद यही उस फिल्म की अचीवमेंट है कि वो इतनी अच्छी है कि वो इस मुल्क में नहीं चल सकती क्योंकि वो इतनी सच्ची फिल्म है। जावेद इकबाल नहीं चली और मैं अभी आपसे ये भी पूछूंगा कि वो क्यों नहीं चली, लेकिन आपने जावेद इकबाल का सीक्वल अनाउंस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुझे बताएं ये हिम्मत कैसे और कहां से आई कि एक फिल्म जो कि किसी ने देखी नहीं, ये किसी से मेरी मुराद है अवाम ने नहीं देखी, उसके बावजूद आपने उसका सीक्वल अनाउंस कर दिया। अवाम ने नहीं देखी एक बात है, अवाम को दिखाई नहीं गई दूसरी बात है। अगर ये बात होती ना कि अवाम ने नहीं देखी और हम उसका सीक्वल बनाते तो गलत होता। अवाम को दिखाई ही नहीं गई तो फिर हम उसका सीक्वल बनाए, और सीक्वल पहले से प्लान था। पहली में तो पहली जो इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर तो बहुत छोटी सी स्टोरी है, जब वो पकड़ा गया या उसने अपने आप को हवाले किया पुलिस के, उससे लेके 13 दिन का जो उसका रिमांड था पुलिस स्टेशन में वो उसकी कहानी है। जो पार्ट टू है उसमें तो उसका पास्ट और उसका फ्यूचर सब दिखाया गया, तो वो तो बेसिकली बड़ी फिल्म है, बट वो पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं बना रहे हम सैडली, वो हम सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ हमें अपनी चीजें देखने को नहीं मिलती, आवाम पिस रही है ना यहाँ से हर चीज। मैं अभी वो फिल्म देखने गया था मौला जट, तो वहाँ पहले ट्रेलर चला था उसका जिंदगी तमाशा का, जो 2 साल बैन होने के बाद अभी फिर सिनेमा में लगी है। चले शुक्र है वो लगी है, मुझे बहुत खुशी है उसकी, और इसी तरह मैं चाहता हूँ जॉयलैंड भी लगे और ये सारी फिल्में, क्योंकि ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के काम होते हैं, उन पर फिल्में बनती हैं, उनको देखना चाहिए। हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं इस तरह की चीज़ें, प्राइम पे देखते हैं और जगहों पे देखते हैं, तो हम एक्सप्रेस पे क्यों नहीं देखते और सिनेमा में क्यों नहीं देखते, ये ज़रूरी है, हमें देखना चाहिए। ये भी बड़ी बात होती है ना भाई, एक आर्टिस्ट ने इतनी स्ट्रगल की है, जैसे आपके केस में हम डिस्कस कर रहे हैं 17-18 साल काम किया है, उस स्ट्रगल के बाद आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां पे आपके ओपिनियन की वो वक्त भी होती है ना, लोग जिसके बारे में जिसको सुनना चाहें। आप अक्सर कहते हैं यार कि अगर नहीं सुनना तो अनफॉलो कर दें, लेकिन अनफॉलो करता तो कोई नहीं आज तक, किसी ने नहीं किया। हाँ, नहीं तो इसका मतलब है लोग इंटरेस्टेड हैं आपके आपके तासुरात जानने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, स्ट्रगल मुझे लगता है सब करते हैं स्ट्रगल, कौन है जो नहीं करता।
जो बहुत बड़ी गाड़ी वाला है वो भी स्ट्रगल करता है, धूप में खड़ा होता है कहीं ना कहीं जाके इस काम में आने के लिए। तो मैं स्ट्रगल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करता कभी भी, आपने किसी शो पे नहीं देखा होगा। बिल्कुल, आंगन टेढ़ा आपने किया, एक आप ये बुजुर्ग का भी रोल आपने प्ले किया, बांदी आपका बड़ा एक मशहूर प्रोजेक्ट और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया आपके रोल को, काले कपड़े आपने पहन के रखे थ्रू आउट, एक इम्प्रेशन देने के लिए यार, कि क्योंकि एक तवील प्ले में स्क्रीन टाइम कम है लेकिन स्टैंड आउट करे थ्रू द वार्डरोब एंड थ्रू द। हाँ जी, मैंने कन्विंस किया अपने डायरेक्टर को और वो मान गए और लकी आएगी रिसर्च। आप देखे ना, अवार्ड भी मिल गया। अब आप तारीफ नहीं करेंगे आप रिसर्च की? नहीं नहीं बिल्कुल, आप ये मैंने नोटिस किया कि जहाँ पे मैंने इतने कपड़े पहने, अवार्ड जीत लिया, मेरी तारीफ ना तू कर, मैं तेरी रिसर्च सब, तारीफ सब कर लें। अच्छा लेकिन जो बाकी जो दो प्लेस की तस्वीर पिछले पौने घंटे से तारीफ ही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, पौना घंटा हुआ ही नहीं सब मिला के। आपकी स्ट्रगल की कहानी आप जैसे खुद बता रहे हैं आपने नहीं बताई, और लोगों को वैसे भी नहीं मालूम, मैं बताना भी नहीं चाहता। उसकी एक वजह है कि हम एक शो पे गए थे HSY के, मैं और मोहसिन अब्बास हैदर। तो उस वक्त मोहसिन की फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी नामालूम अफराद, मेरी आई थी कराची से लाहौर, उस दोनों में हम सपोर्टिंग एक्टर्स थे। तो वो हमें पसंद किया गया था, तो HSY ने हमें बुला लिया, हम खूब डिजाइनर सूट वूट पहन के चले गए। तो मोहसिन ने जाके वहाँ अपनी स्ट्रगलिंग चीज़ें बतानी शुरू कर दी। तो जब ब्रेक हुई तो मैंने उससे कहा, देख हम स्ट्रगलिंग की बातें जो है ना, स्ट्रगलिंग टाइम की तब बताएंगे जब हम अभी कोई 20-25 फिल्में कर चुके हों, हमारा यहाँ बड़ा सा घर हो, गाड़ी खड़ी हो, हम अभी भी प्रोडक्शन की गाड़ी में आए, कभी कपड़े वापस कर देने जाके, तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है तो स्ट्रगल क्यों बता रहे हैं। वो तो शाहरुख खान तब बता रहा ना कि मेरा ये मन्नत घर बन रहा था, तो मन्नत बन चुका है, तो तब वो स्ट्रगलिंग टाइम की बातें बता रहे हैं। अब मैं क्या बातें बताऊँ स्ट्रगलिंग टाइम की कि मैंने, यार आप अक्सर कहते हैं कि 17-18 साल चंद जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं प्रोजेक्ट, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। उंगलियों पे जो गिने जाते हैं प्रोजेक्ट, इतने कम आपने प्रोजेक्ट्स किए, फिर भी माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट को जाना जाता है हर कोई आपके नाम से वाकिफ है, ये कोई कम अचीवमेंट है? नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मेरी स्ट्रगल ये है ना कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढने में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये मेरी स्ट्रगल। ये भी आपने कहा कि वैसे अगर आप चाहें कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो यू चूज़ नॉट टू। कोई भी कर सकता हूँ, जाहिर है ऐसा कोई मैं वो नहीं हूँ फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद के, कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफर होते हैं वो मैं नहीं करता, और वो वाले मैं कर सकता हूँ जो मुझे ऑफर होते हैं और मैं नहीं करता। एक प्रोजेक्ट जो आपने रिसेंटली किया और मुझे बहुत पसंद आया, उसमें आपकी अदाकारी भी बहुत पसंद आई, वो था बादशाह बेगम। कैसर का जो आपने किरदार निभाया, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। और ये इससे पहले कि आप बोलेंगे यार ये बोला नहीं तुमने, तारीफ नहीं की, ये डॉक्यूमेंटेड है, सारे अपने रिव्यूज में ये 12 बार में ये बात कह चुका हूँ, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग विद बादशाह बेगम? आप और या आपको लगता है कि कुछ बादशाह बेगम उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, या आपको लगा सब सही हुआ? आई थिंक मैं तो कभी भी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत हाई होप्स नहीं रखता, रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत डिफरेंट किस्म का कॉन्टेंट देख रहे हैं। अभी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक ऐसा ड्रामा भी हिट हो जाता है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ गोरे की एक ऐसी फिल्म भी ट्रेंड कर रही होती है नेटफ्लिक्स पे, तो हम हैरान होते हैं कि यार ये फिल्म पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है, कैसे समझ आ रही है लोगों को। और दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रामा ट्रेंड कर रहा होता है जो आप कहते हैं यार ये तो बिल्कुल मतलब बुरा ड्रामा है, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है। हाँ। तो ये दो तरह के लोग यहाँ पे हैं और कुछ भी पसंद कर सकते हैं। बादशाह बेगम के केस में ये था कि वो एक पैशन प्रोजेक्ट था शुरू से, मैंने भी वो कैरेक्टर इसीलिए किया था क्योंकि वो बड़ा ही एक डिफरेंट सा कैरेक्टर था, आपको भी शायद इसीलिए पसंद आया होगा। तो वो जितने भी आर्टिस्ट उसके अंदर काम कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था ये बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। बट वो उतना बड़ा हिट नहीं हो सका, लेकिन अभी मैं कनाडा गया वहाँ पे भी बहुत लोगों ने तारीफ की उस ड्रामे की, तारीफ की सिर्फ मेरे कैरेक्टर की नहीं उस ड्रामे की तारीफ की, तो लोगों को पसंद आया है। मुख्तलिफ टेस्ट रखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी उस तरह से सास बहू नहीं थी उसके अंदर, कोई बहुत करीबी रिश्तों में चीज़ें नहीं हो रही थी। आपको मौका मिला कुछ किस्तें देखने का बादशाह बेगम? हाँ जी, मैंने बिल्कुल अपना काम देखा है फॉरवर्ड कर करके, अपना ही देखा। हाँ। और दूसरों का नहीं देखा? मुझे कोई भी ड्रामा नहीं देखा जाता, मैं ड्रामा क्या के ड्रामे देखते हैं नहीं, इकरा के ड्रामे नहीं देखते आप? मैं किसी के ड्रामे नहीं देखता, मुझसे ड्रामा देखा ही नहीं जाता भाई। ये हमारे जो म्यूजिक वाले भाई बड़े आउट ऑफ सिंक हैं। हैं? आउट ऑफ सिंक हैं हमारे। नहीं नहीं, वो मेरी बातों पे बजा रहे हैं सिर्फ। हैं? अच्छा। मैं उनसे अलग से बात करके मैंने उन्हें कहा था मैं बीच में डांस करूंगा आप बजाना। ठीक है, तो हाँ, तो इकरा कर लिया आपने यार, माशाल्लाह इतने अवार्ड्स मिले उनको, इतनी उनकी बातें तारीफें,
क्या क्या उनके बारे में कहा जाता है, और मियाँ साहब ने ड्रामे नहीं देखे उनके भाई? आपको डरने, अभी तो आप कह रहे हैं डरते हैं यार आप इकरा से। नहीं नहीं, मैं देखें डरना एक और बात है और ड्रामे देखना एक बिल्कुल ही अलग बात है। मैं ड्रामा, मैं डर जाऊंगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ड्रामे देखने के बाद वक्त जाया हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा देर कुछ भी नहीं, मैं गोरे की सीरीज भी नहीं देखता बहुत ज्यादा, मुझे इतनी लंबी ड्यूरेशन की जो कहानियां होती है मुझे नहीं पसंद। आपने फिल्म देख लेता हूँ। आपने वाकई में राजा राजा कर दी भी? राजा राजा कर दी की मैंने आखिरी किस्त देखी है, या उसकी मैंने शूट पे गया हूँ, और कोई एक आध किस्त और स्टार्ट पहली किस्त देखी है, आखिरी किस्त देखी है, रकीब से की भी पहली किस्त देखी है, और बीच की एक किस्त देखी है। खुदा और मोहब्बत भी नहीं देखा आपने, जो बिलियन से ज्यादा व्यूज है? खुदा और मोहब्बत का तो मैंने एक किस्त भी पूरी नहीं देखी। तो क्या वजह है कि ऐसा है कि आप जो इकरा के को स्टार्स हैं उनको ना पसंद करते हैं जो आप नहीं देखते? मैं इकरा छोड़े मैं और बाकियों के ड्रामे भी नहीं देखता, मतलब हाँ। मैं किसी की तो आप किसी को पसंद नहीं करते? नहीं, मैं सबको बहुत पसंद हूं। अरे मेरे में बच गया, देखें यार ये अच्छी, इसका मतलब है एक अच्छी बात। मैं सबको पसंद करता हूँ मगर मुझसे ना ड्रामा नहीं देखा जाता, मुझे लगता है बहुत लंबी हो गई ये कहानी। ड्रामा देखा नहीं जाता करने पे बिली। भाई मैं अगर ड्रामा देख रहा होता और उससे मुझे पैसे मिल रहे होते मैं जरूर करता तुम्हारी तरह। हाँ। अब तुम्हारा ड्रामा देख रहे हो, उसका रिव्यू करते हो, उससे तुम्हें पैसे मिलते हैं तो तुम जरूर देखोगे। आपको फर्क सिर्फ इतना, आपको ड्रामा करने के पैसे मिलते हैं, मुझे ड्रामा देखने के पैसे। बिल्कुल, और अब से तुम्हें करने के भी मिलेंगे शो। बहरहाल बातों का सिलसिला जारी रहेगा यासिर, अब वक्त हुआ है एक बड़े ही मजेदार सेगमेंट का। वो क्या है वो आपको भी बताते हैं और अपने व्यूवर्स को भी बताते हैं, एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे पता है कि आप एक्सप्रेस के लिए एक मिनी सीरीज कर रहे हैं, एक थी लैला, बिल्कुल डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें आप अदाकारी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और उसमें इकरा भी हैं। इकरा भी ये वाला तो देखेंगे मेरे ख्याल में, लेकिन मैं एडिट पे देख लूंगा ये वाला पूरा, और फिर चलेगा तब भी देखूंगा, क्योंकि ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और जैसा कि मैंने कहा था, वो सीरियल जो होता है ना 30-26 किस्तों का होता है, ये 5 किस्तों का, तो 5 किस्तों में कहानी आपको पता। 5 किस्तों के बनने शुरू हो गए पाकिस्तान में? हाँ जी बिल्कुल बनने शुरू। अरे नहीं यार, ये कैसे अचीव किया आपने? ये मैंने नहीं किया, ये एक्सप्रेस को आइडिया आया और इन्होंने किया। ओए, और अगर आपने कर लिया एक बार तो जो 40-40 बना रहे हैं उनका क्या होगा? ये नहीं सोचा आपने? तो क्यों लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं? या तो वो 5 पे आ जाएंगे या हम भी 40 पे ही जाएंगे। यहाँ पे करना बनता था। मेरे ख्याल ये एक हम ले, ले, मैं ले लेता हूँ एक, एक हम यही करते रहते हैं। टक 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 टक। एक थी लैला में इकरा है आपके साथ, मुझे पता चला फैसल कुरैशी साहब भी हैं, कुरैशी साहब भी हैं, नैयर एजाज साहब, नैयर एजाज साहब हैं, हसन अहमद हैं, हसन अहमद हैं। बड़ी यार आपने कास्ट इकट्ठी कर ली 5 एपिसोड्स के लिए। हाँ जी, बहुत जबरदस्त कास्ट है। ड्रामे तो आप देखते नहीं, आप चूज कैसे किया आपने एक्टर्स को? यार मैंने उनका बहुत काम देखा हुआ है, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई, मैं अब के ड्रामे नहीं मुझसे अच्छा देखे जा रहे क्योंकि मसरूफियत कुछ इस तरह, ये वजह नहीं कि वो बुरे ड्रामे तो नहीं देख रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, मसरूफियत की वजह से नहीं देख रहा। तो ना डिफेंसिव पे तो मैंने आपको कभी नहीं देखा यासिर। बस आज मेरा दिल है। ठीक हो गया यासिर। अब ये जो एक थी लैला आपकी सीरीज है, ये कब देखने को मिलेगी? ये इंशाल्लाह नवंबर में ऑन एयर होगी इंशाल्लाह, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मर्डर मिस्ट्री है ये। मर्डर मिस्ट्री माय फेवरेट जॉनरा, मुझे तो बड़ी पसंद है। आपको, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी। मैं देखूंगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी। रिव्यू करेंगे हम लोग, लाजमी है ना, मजा आएगा। अपने किरदार के बारे में, इकरा के किरदार के बारे में कुछ बता सकते हैं आप या नहीं? मैं एक मर्डर मिस्ट्री है तो पुलिस वाले का किरदार अदा कर रहा हूँ, इकरा जो है वो लैला का किरदार अदा कर रही है। इससे ज्यादा अब मैं क्या बताऊँ। और वो थी, एक थी लैला, वो है एक थी लैला, एक थी लैला, हाँ वो लैला इकरा है, वो लैला इकरा है। आप मजनू हैं? नहीं, मैं मजनू हूँ। मजनू कौन है? मजनू अब आपने डिसाइड करना है कौन है। ओए, ये वैसे सबसे अच्छा सवाल किया आपने कि इस कहानी का पूरे का एंड यही है कि आपने डिसाइड करना है मजनू कौन है, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री है। मर्डर मिस्ट्री, सो एक मर्डर होगा किसी का, जिसने भी किया होगा वही मजनू होगा। तुम लिखना भी शुरू कर दो। ओए, आप क्या करेंगे फिर? पोस्टिंग तो मैंने वैसे ही शुरू कर दी है।
नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हम सबका काम चलता रहे। यासिर अब वक्त हुआ एक बड़े जबरदस्त सेगमेंट का। जबरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा हर सेगमेंट के बारे में यही कह रहे हैं। अभी तो हुआ ही, अभी हुए कहाँ हैं, अभी हुए कहाँ हैं, इस वाले के बारे में भी ये कहा था। नहीं नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, ये तो तवक्कुआत पूरा नहीं उतरा ना, ये मैंने मुझे मुझे देखे मैं याद रखता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ। अच्छा हाँ काश तुम ऐसा याद करता, अभी मंचा मंचा के नारे लगा रहे थे, कहाँ याद है तुम्हें कुछ? याद है, तुम बादाम शुरू करो पहले चेक से इंशाल्लाह। पहला चेक जब आएगा हम बादाम लेंगे। सेगमेंट है बड़ा मजे का, उसका नाम है अवाम की आवाज। ओ तो आपके बारे में हमने अवाम की आवाज तो दबा नहीं दी गई थी, किसने हिम्मत की अवाम की आवाज दबाने की, किसने नहीं दबाई अवाम की आवाज? नहीं हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि अवाम की आवाज को उभारें, माशाल्लाह मजीद उभारें, माशाल्लाह। और हम गए बाकायदा तौर पे अवाम में और हमने अवाम से आपका लिया आपके बारे में ओपिनियन। वाह वाह, तो ये वो बातें हैं जो कि पीपल ऑन द, जो आम अल्फाज में कहते हैं ना, पीपल ऑन द स्ट्रीट व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। तो क्या जो आप अपने बारे में सोचते हैं अवाम भी वैसा ही सोचती है या कुछ मुख्तलिफ सोचती है? मुख्तलिफ ही सोचती है, ये हमें पता चलेगा इस सेगमेंट में। बिल्कुल, तो आए आपको दिखाते हैं प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सरफराज मुगल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आए हैं बहुत बड़े मेहमान, नाम है उनका यासिर हुसैन, करते क्या है बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल। इनको जानते हैं यासिर हुसैन को, इकरा अदीस के हस्बैंड है, ये देखें। हाँ, जानते हैं ना। अच्छा कैसे बंदे हैं, अच्छे नहीं है? पता नहीं, मैं मिली नहीं। इनकी एक्टिंग कैसी लगती है आपको? इनकी एक्टिंग अच्छी है, बट ये अगर थोड़ा मतलब कॉमेडी वगैरह के शो ले लें तो ज्यादा मजा देगा। क्यों भाई, बहुत फनी है क्या ये? इनका मुझे बेगम बादशाह वाला रोल अच्छा नहीं लगा। इकरा अदीस के साथ जोड़ी कैसी लगती है इनकी? नॉर्मल है। क्यों, क्या मसला क्या है? कद छोटा है इकरा अदीस का, कद छोटा है। पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार यासिर हुसैन, नहीं जानते इनको आप? अरे ये जानती हैं आंटी, अरे बाजी आप जानती हैं, अरे आप भी नहीं जानते, कौन जानता है, ये जानती हैं। यासिर हुसैन को जानती हैं जी? तो कैसी है इनकी एक्टिंग? बहुत अच्छी। कोई एडवाइस देना चाहे इनको? नहीं, ये हमारी एडवाइस फॉलो करेंगे जी, बिल्कुल आपकी एडवाइस फॉलो करेंगे, ये आपको देख रहे हैं, ये कोई फनी ड्रामा वगैरह कर लें तो अच्छा। फनी ड्रामा कर लें यासिर भाई, माम कह रही है आ जाओ आ जाओ। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बताइएगा इसे आप जानते हैं? नहीं सर। नहीं भाई, ये भी इनको नहीं जानती। यासिर हुसैन भाई, यासिर हुसैन है जानते हैं भाई, वाह क्या बात है। अच्छा ये बताएं आपने इनकी कौन कौन से ड्रामे, कौन कौन सी मूवीज देखी हैं? कि अभी हाल ही में वो चला बादशाह बेगम चल रहा था। बादशाह बेगम चल रहा था, वेल गुड। अच्छा एक बात बताएं, कोई एडवाइस अगर देना चाहें यासिर हुसैन को तो क्या देना चाहेंगे? कॉमेडी अच्छी करते हैं यासिर हुसैन। कॉमेडी अच्छी करते हैं, यानी कि आपने कराची से लाहौर देखी है उनकी? बिल्कुल देखी है। अवाम भाग रही है, अवाम बता नहीं रही है इस शख्स को, पर ढूंढ के रहेंगे। ये दिलों में बसते हैं रोडों पे नहीं, ये दिलों में बसते हैं रोडों पे नहीं, ड्रामों में दिखते हैं हर जगह पे नहीं। क्या बात। अच्छा वो जो लड़की कह रही थी उनका कद छोटा, आप जी में रेशम सी हो। मुझे ये बताएं कि जब कोई ये कहता है कि हम इन्हें नहीं जानते, बुरा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? अच्छा ही नहीं जानते, जानते। और दूसरा, मुझे तो जो लोग जिन लोगों को लगता है कि मुझे जानते हैं, मुझे वो भी नहीं जानते, तो मुझे इस बात से बिल्कुल मसला नहीं होता। और अब एक पॉइंट आता है, जब आपको फेम मिल जाता है ना, उसके बाद आपका दिल करता है कि आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ आपको लोग ना जानते हो। अच्छा, जहाँ आप ऑब्वियसली खुल के अपनी मर्जी से कुछ भी करना। ये तो कराची तारिक रोड है, तारिक रोड पे तो जाने ना लोग। तारिक रोड ठीक है, अगर आप इटली में कहीं फिर रहे हैं और वहाँ पे ना जाने लोग, तो इटली में क्या हो, तो मैं बिल्कुल यूरोप शुरू ही हो तो फिर जानना बंद कर देते हैं लोग। लेकिन टर्की में ही, हाँ टर्की में ही, लेकिन पाकिस्तान में भी कई जगह हैं जहाँ आपको, क्योंकि अब वो वाला चीज रही नहीं, अब टिकटॉक के अलग स्टार्स हैं, टीवी के अलग स्टार्स हैं, फिल्म के अलग हैं, और इंस्टाग्राम के अलग हैं, यूट्यूबर्स अलग हैं, स्पोर्ट्समैन अलग हैं, तो वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आप हर बंदा हर चीज नहीं देखता, और ये हमेशा से इस तरह से, तो हर बंदे को अंटिल अनलेस आप मायरा खान या फवाद या हुमायूं सईद हैं, फैसल कुरैशी हैं, तो वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि ये इकरा अज़ीज के शौहर हैं, तो ये मेरा आप समझ लें कि वो बन चुका है कि अक्सर लोग मुझे तारुफ इसी से करवाते हैं कि जी इकरा के शौहर हैं। और अब तीसरा भी एक आ गया, वो ये कबीर के अबू हैं, अबू हैं। हाँ ये सच में हो रहा है, ये आपको ये बात भी बुरी नहीं लगती? अरे क्यों बुरी लगे, दोनों
नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आम जिंदगी में क्या होता है हमारे साथ कि हर कोई बताता है जी ये मिसेज अरसलान है, अमूमन यही सुनने को मिलता है ना जी ये ख्वाजा साहब की मिसेज है। क्यों? क्योंकि वो लोग आदमी जो होते हैं वो बेचारी घर में रहती है पूरा टाइम और वो बाहर लोगों से मिलते जुलते उन्हीं के मिलने जुलने। अब मेरी बीवी ज्यादा ड्रामों में आती है, मैं कम ड्रामे करता हूँ, तो जाहिर है उसको जानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं। और अगर मुझे लोग नहीं जानते तो वो कहेंगे ये इकरा के शौहर है, तो इसमें बुरा मानने की क्या? बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है जो आपने बात की, आपने इतने ड्रामों में काम किया नहीं है, उस एतबार से फिर भी बहुत लोग आपको जानते हैं। हाँ, इस पे मैं भी हैरान हूँ। मैं अभी भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे होता है कि यार ये एक दफा हम कोई एक किसी उसमें प्रोजेक्ट के साथ गए थे हेल्प करने के लिए लोगों की थर में, तो वहां ना मोबाइल फोन थे, ना सिग्नल्स थे, ना घर थे, वो मट्टी की झोंपड़ियां थी और पानी का बहुत बड़ा इशू था वहां, और वो जो खवातीन थर की होती हैं बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनी हुई, वो सब उस तरह का माहौल था। तो वहां मैं था, जो जुनेद अकरम है गंजी स्वैग वो थे, इकरा थी और एक और यूट्यूबर थे हमारे साथ, मुझे याद नाम याद नहीं आ रहा, तो वो हम सारे लोग गए थे। तो वो वहां पे किसी को किसी ने नहीं पहचाना। तीन लड़के आए मेरे पास, कहते हैं हमने आपकी कराची से लाहौर देखी है, यहाँ पता नहीं कितने किलोमीटर दूर एक दुकान में सिनेमा लगता है, तो वहां पे आपकी हमने फिल्म देखी। तो सिनेमा दूर तक पहुंचा हुआ था, वहां टीवी नहीं था, क्योंकि टीवी था ही नहीं। अच्छा, कराची से लाहौर का आपने जिक्र किया, मैं अक्सर हमारी मुलाकात होती, मैं आपको याद कराता हूँ कि जब एट्रियम में कराची से लाहौर का प्रीमियर हुआ और आप निकले, आपने बड़ा फंकी सा सूट पहना हुआ था और आपने लंबे बाल थे, आपने पोनी शोनी बांधी हुई थी, मैं इतना इंप्रेस हुआ था आपकी परफॉर्मेंस से। आई रिमेंबर वॉकिंग, हाँ ब्रेड्स बनाई हुई थी, तो आई रिमेंबर वॉकिंग अप टू यू एंड आई सेड कि मुझे आपका किरदार बड़ा मजे का लगा, यू वर वेरी वार्म ऑब्वियसली, वो आपका भी जो रिएक्शन था आगे से आपने बड़ा एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि यार कोई अप्रिशिएट कर रहा है। इतने जबरदस्त आप परफॉर्मर हैं स्पेशली कॉमेडी में, जैसे लोगों ने भी पूछा आप क्यों कॉमेडी के रोल्स नहीं करते, और आपने कहा भी कि यार कि मैं जिस तरह की कॉमेडी करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, रिस्ट्रिक्शंस इतनी हो गई हैं, क्या ये वजह है? उसके अलावा एक और चीज भी है कि मैं जब बांदी ड्रामा मेरा पहला ड्रामा था जो सीरियस था, उससे पहले मैंने कॉमेडी सारी चीजें की, लाइट मूड या कॉमेडी, तो वो सानिया सईद कहती थी कि सानिया सईद जी कहती थी कि वो तो मैं ना तुमसे सीरियस एक्टिंग होती नहीं है, तुम इसलिए नहीं करते। तो वो बड़ा उन्होंने सानिया जी को प्रूव करने के लिए आप तब से लगे नहीं, तो फिर मैंने राफे राशिदी से कहा, मैंने कहा कोई सीरियस कैरेक्टर है ना मुझे तब बताना, तो उसने बताया, उसने कहा ये है मगर इसमें 40 सीन्स हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो किया, मुझे उस पर अवार्ड मिल गया, और उसके बाद फिर मुझे सीरियस ही कैरेक्टर्स ऑफर होना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैंने कोई ड्रामे ऐसे सच किए नहीं, ये एक बादशाह बेगम किया और कोई। ये रमजान के इतने ड्रामे बनते हैं, कभी आपने सोचा नहीं ऑफर्स तो आई होंगी? रमजान के ड्रामों की मुझे कभी ऑफर नहीं, ऑफर भी नहीं आई, भी नहीं ऑफर भी नहीं। आई थिंक इन टीवी वालों को नहीं लगता मैं अच्छी कॉमेडी करता हूं। उनको फिर कौन लगता है कि कौन अच्छी कॉमेडी करता है? जो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं? बीइंग अ कॉमेडियन योरसेल्फ। हां, मैं अपने आप को कॉमेडियन, अगर मुझे कोई कहता है मुझे बहुत फख्र होता है, मुझे कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है। मैं मुझे ये रमजान के ड्रामे बिल्कुल फनी नहीं लगते। नहीं लगते फनी? बिल्कुल फनी नहीं लगते। आपकी नजर में पाकिस्तान में कॉमेडी का स्पार्क किन एक्टर्स में है? आपको लगता है ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं? सोनिया बहुत अच्छी कॉमेडी करती है, इकरा बहुत अच्छी कॉमेडी, सज्जल बहुत अच्छी कॉमेडी कर सकती है, और अगर एक्टर्स में देखा जाए तो फैसल कुरैशी बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। हां हां, और की बहुत इजाज़त। मुझे दानिश नवाज बहुत पसंद है कॉमेडी में, मुझे बरकत बहुत पसंद है कॉमेडी में। दानिश भाई ने कास्ट किया ओबी को, ओबी और उस्मान खालिद बट और सना जावेद के साथ एक ड्रामा उनका आ रहा है, कॉमेडी ड्रामा है, आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा? नहीं, अभी नहीं गुजरा। नहीं गुजरा? सुनो चंदा देखा था आपने फरहान और इकरा का? ये वो भी नहीं था? वो भी नहीं देखा आपने? इकरा मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज आप घर में एक एक भाई मैं ड्रामे नहीं देखता भाई, इकरा को शिकायत लगा मैं उनको क्यों ना लगाऊं शिकायत भाई, एक इकरा और किसी का देखा ना देखें, इकरा को तो देखें यार। एक इकरा का शौहर ड्रामे नहीं देखता, दूसरी इकरा का शौहर जो है वो सारे पागल हो गया ड्रामे देख देख के, पता है। अच्छा, इकरा के कद के ऊपर ये जो उन्होंने बात की, मैंने देखा आप अवार्ड शो में इकरा के कद का खुद ही मजाक उड़ा लेते हैं। मैं बकायदा मैं था, I was present at an award show where you made a joke about Ikra's height. हाँ, मैंने कहा कोई और उड़ाए उससे पहले, बेहतर आप खुद उड़ा ले। सीन ये है कि वो कभी भी कहीं जाती है, किसी से मिलती है तो लोग कहते हैं अच्छा आप तो इतनी छोटी सी हैं, तो वो पर उसको ये वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, वो कोल्हापुरी चप्पल पहन के घूम रही होती है इतनी बारीक सी, तो उसको नहीं है। तस्वीर खिंचवाते वक्त मैं नीचे हो जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। तो आप जब अवार्ड पे इस तरह के जोक मारते हैं तो कोई होता नहीं कि यार क्या है? मेरी बीवी अगर मुझे नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है यासिर। ये किसी भी टीवी शो में ब्रेक्स कितनी जरूरी होती हैं? बिल्कुल नहीं होती, पता नहीं क्यों करते हैं ये।
ये होस्ट के दिमाग में कोई फितूर होता है, फितूर होता है, उसको लग रहा होता है कि मुझे मेकअप ठीक करना है। नहीं नहीं नहीं, तो ये जो बात कही जाती है होस्ट को कि ब्रेक नहीं लोगे तो चेक नहीं मिलेगा, मैं तो क्योंकि टीवी इतना नहीं किया, आपने बहुत किया है, ये सच है? ये बात बिल्कुल सच है, नहीं मिलता चेक, नहीं मिलता भाई। वक्त तो है एक ब्रेक का, क्योंकि चेक तो हम सबको चाहिए, कहीं जाइएगा मत। आपकी एक बात जिससे मैं जाती तौर पे एग्री करता हूँ, शायद आपको लगता है कि लोग समझ नहीं पाए जब आपने ये कहा था कि अर्तुरुल के जो स्टार्स हैं ये उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइलेज मिल रही है, उनकी बहुत बात हो रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तानी एक्टर्स को भी रिकग्निशन मिले? अब ये मेरा पॉइंट है कि अर्तुरुल वाली बात को मेरे ख्याल में नहीं, ढाई साल हो गए, ढाई साल हो गए, बट आज भी आप शो में ये बात कर रहे हैं और अगले शो में भी ये बात, इसलिए लोग कहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल। मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ पर नहीं, अब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन शुरू में जब लोगों ने ये बात की तो उन्होंने एग्री भी नहीं किया मुझसे, अब अग्री कर रहे हैं जब दोनों मुल्क मिलके एक सीरीज बना रहे हैं जो कि मैंने उस वक्त कहा था कि बनानी चाहिए, आज वो बन रही है ढाई साल बाद, तो आप अग्री भी कर रहे हैं, उस वक्त मेरी बात से कोई अग्री नहीं कर रहा था। क्या आपको लगता है कि आपके केस में ये आसान भी हो गया लोगों के लिए? आपको नहीं लगता कि मैं दूरंदेश हूँ? आप हैं, विजनरी, कोई शक की बात ही नहीं इसमें, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप एक तरह से इजी टारगेट भी बन गए? जैसे ये अर्तुरुल वाली मैंने बात की, आपकी बात समझे सुने बगैर लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देखिए लोगों को मैं कसूरवार ठहराता ही नहीं हूँ, हमारा लिटरेसी रेट क्या है? बहुत कम है, तो मैं क्या कहूँ लोगों को? हमारे पास कितने प्ले ग्राउंड हैं, हमारे पास कितने रेसिंग ट्रैक्स हैं, हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास कितने स्कूल हैं जहाँ वो, तो आपने एक बार ये भी बात ठीक है, जब ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास तो मैं लोगों से क्यों गिला करूंगा? मेरा गिला तो अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से है जो पढ़े लिखे भी हैं, जो समझते भी हैं, जो इस काबिल भी हैं, उसके बाद भी वो इतनी बेवकूफाना और अहमकाना बातें करते हैं, तो उस पर मुझे गुस्सा आता है। बाकी क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की कोई बात होती है, आप अपने तौर पे एक बात करते हैं, पीपल ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो जो एज एन आर्टिस्ट एज अ परफॉर्मर आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जाती तौर पे आपकी परफॉर्मेंसेस को बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा इन्जॉय करता हूँ, तो इस तरह की बात अक्सर आपकी परफॉर्मेंसेस को या आपके एक्टर आर्टिस्ट होने को ओवरशैडो नहीं कर जाती? कर जाए। वैसे यहाँ पे एक्टर को कौन सा ऑस्कर मिल रहा है? आपके एक्टर को क्या मिल रहा है? ऐसा क्या चीज़ है जिससे मैं मिस हो कर गया हूँ? और मैं एक दफ़ा शहनाज शेख साहबा का इंटरव्यू देख रहा था जिन्होंने दो ही ड्रामे किए हैं, तन्हाइयाँ और आई थिंक एक और नाम मैं भूल गया उसका, अनकही, तो बहुत ही कमाल एक्ट्रेस थी, उनके बाद छोड़ दिया, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि आपने क्यों फिर और ड्रामे नहीं किए? उन्होंने कहा ऐसा कौन सा ड्रामा भी आया जो आपको लगता है उसमें मुझे होना चाहिए था? तो होस्ट लाजवाब हो गया, कहती ऐसा क्या मैंने मिस कर दिया जो किसी और ने कर लिया? तो बात तो ठीक थी, आपकी भी वही सोच है। बिल्कुल ऐसी सोच है कि मैं ऐसा क्या मिस कर रहे हैं हम एज एन एक्टर, मैं क्या मिस कर गया हूँ ऐसा कि, बट यासिर हिस्सा तो आप बिलाकर इसी इंडस्ट्री का है। बिल्कुल, तो बड़ी डिसहार्टनिंग सी अप्रोच नहीं है? डिसहार्टनिंग सी नहीं है, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है ये। मैं चीजों को उतना सीरियसली नहीं ले रहा जितना और लोग ले रहे हो शायद, और नहीं लेना चाहिए, जिंदगी को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना लोग ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे, राइटर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे जो कि शायद आपकी बात इस वक्त सुन रहे हो, उनको मोटिवेट करने के लिए आप फिर क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेट उनको मौका कहाँ मिलेगा यहाँ आने का? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कौन नहीं देगा मौका? कौन देगा? हर कोई अपनी दुकान। आप कब से काम कर रहे हैं ये? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप, मैंने भी आपकी जर्नी देखी हुई है, आपने एक्टर्स को मैनेज भी किया है, आपने और भी चीजें की हैं, आपने अपना पेज बनाया, आपने यूट्यूब पे फॉलोअर्स लिए, तब कहीं जाके आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जो यूथ है वो तो इंस्टेंट स्टार बनना चाहती है, वो कहाँ इतनी स्ट्रगल करती है। तो आधे लोग तो वहीं फिल्टर हो जाते हैं, जो आधे बेचारे बचते हैं और वो सारी मेहनत करते हैं, वो उनमें से आधे कुछ गलती कर देते हैं, गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं, वो आधे फिल्टर हो जाते हैं, फिर कहीं जो बचते हैं बेचारे वो जाके जो है ना वो जान पहचान वालों के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। कहाँ मौका मिलता है इतनी आसानी से? ऐसे ही है, मौका मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और अगर किसी को मौका मिल गया उनको चाहिए कि उस मौके को संभाल के रखें। बिल्कुल संभाल के रखें, उससे फायदा उठाएं, जैसे कि हम सारे एक्टर्स जो इंडस्ट्री में हैं वो उठा रहे हैं फायदा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इंडस्ट्री से जो भी कमाया है, जो भी पाया है इस इंडस्ट्री से मिला है हमें, मगर ये भी मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में बिल्कुल आसान नहीं है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं और लग रहा है उन्हें कि फौरन कुछ ना कुछ बन जाएंगे, बहुत मुश्किल है। बहुत आपको लगता है बेहतरी आएगी? क्योंकि कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मुझे लगता है मैं और आप सेम पेज पे हैं कि कंटेंट तुम्हारा कोई इतना जबरदस्त नहीं बन रहा, स्पेशली ड्रामे, ड्रामों का ज्यादा बेहतरी पता क्या आएगी? इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपका काम अच्छा है
तो आपको अच्छा काम मिलेगा इवेंचुअली। अगर आपका काम अच्छा नहीं है और 25,000 बुरे ड्रामे करने के बाद 25,000 बुरे ड्रामे करने के बाद आपको लगता है कि यार मुझे इस तरह के रोल्स क्यों नहीं मिल रहे, भाई नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने 25,000 बुरे ड्रामे कर लिए हैं। अब आप स्क्रिप्ट देख के आपको पता है इसमें कौन से एक्सप्रेशंस देने हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा कि अब आपको कोई संजरीला बंसाली या कोई वहां पे हॉलीवुड वाले उठा के ले जाएंगे, नहीं होगा, आपको यहीं के अच्छे डायरेक्टर भी नहीं लेंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। या सर एक आपकी जो बात है, किस्सा एक, वो बड़ा एक लंबा खींचा गया और मैं उसकी नीटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, मुझे हमेशा से उस किस्से से रिलेटेड एक बात बड़ी फैंटेसाइज करती है, वो मैं वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगा और आपका उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहूंगा। नौशीन शाह वाला जो ये वाकया है, आपने कहा जी कि वो अनइनवाइटेड आपकी शादी पे आ गई, बड़ी लंबी एक बहस हुई, उन्होंने कहा किसी की शादी में अनइनवाइटेड कौन चला जाता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके ऊपर आपका ओपिनियन जाना है। ने एक शो किया जिसके अंदर ये गेस्ट थे और उसमें एक कॉन्ट्रोवर्सी भी उठी कि इनकी शादी में नौशीन शाह बगैर बुलाए आ गई। सो वो सब ने कहा कि जी वासे को एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली माय एसोसिएट वेंट टू हिम, उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि कोई फन बात कर सकें। तो वाइल ही वॉज गेटिंग हिज मेकअप डन ही सेड कि मुझसे पूछ लेना कि मेरी शादी में बगैर बुलाए कौन आया था। सबसे बड़ी गॉसिप, नहीं पता था कि ही इज गोइंग टू टेक नौशीन शाह'स नेम, बट ही एक्चुअली टोल्ड अस टू आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले मैं आपका ओपिनियन लूं इस बात पे, मुझे लगा कि ये बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपने बर्मला इस बात का इजहार किया कि टीवी चैनल्स जो ये सवाल पूछते हैं उनका कोई कसूर नहीं, होस्ट जो ये सवाल पूछते हैं उनका कोई कसूर नहीं, हमारे पास भी गेम्स हैं, हम भी कोई इस तरह के सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने जवाब दे दिया, आप गलत हो गए। बट ये यहाँ पे बेग साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये सवाल पूछे ही नहीं, वासे ने तो सवाल पूछे ही नहीं कभी आपसे, आपने खुद ये कहा एसोसिएट को कि भाई मेरे से ये सवाल पूछना, इंसिन्यूएटिंग कि एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी आपकी क्रिएट करता है, आपने कभी इसको एड्रेस किया पहले या नहीं? अच्छा, अब मेरा सिर्फ दो बातें हैं इसके ऊपर। एक तो ये कि नौशीन से मैं मिला पिछले दिनों, एक न्यू ईयर पिछले साल हम मिले और हम बहुत अच्छे से मिले। ओके, अभी मुझे कहीं मिलेंगे, हम बहुत अच्छे से मिलेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो आपके इंट्रो में बात थी कि मैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हूँ, आपने आप भी अभी तक कोई मेरी नई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बताई। ये मेरी शादी की है, मेरी शादी को माशाल्लाह 3 साल होने वाले हैं, माशाल्लाह अर्तुगरुल 2.5 साल पुरानी बात है, तो 2-2.5 साल जो मैंने मेहनत करके कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस शो पे बुला के दोबारा से शुरू कर दिया सारा कुछ, तो इसमें कसूर मेरा है कि आपका है? मेरा, तो अब आप एड्रेस नहीं करेंगे? मैं एड्रेस क्यों करूंगा, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी बेग साहब से ताल्लुकात खराब हो, मैं चाहता ही नहीं मेरे नौशीन से ताल्लुकात खराब हो, नौशीन एक बेहतरीन अदाकारा है, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में, मैं चाहता हूँ बेग साहब के साथ मैं काम करूँ फ्यूचर में, तो मैं इस जब जो चीज डाई डाउन कर गई इसको डाई डाउन मैं चाहूंगा कि वो खत्म हो जाए, मैं ऐसे होकर मैं दोबारा उखेड़ू, वरना तो मैं अभी ऐसे ऐसे राज खोल सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कि शो कहीं का कहीं चला जाएगा। लेकिन आप वो नहीं चाहते कि शो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं चाहते कि? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सीनियर लोग हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, मैं बेग साहब के ड्रामे देख के समझ लें कि बड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, इनके जो सिटकॉम से लेकर इनके शोज, फिर इनके वो बारात सीरीज, फिर इनका इनकी जो इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी है वो देख के मैं बड़ा हुआ। काफी तब्दीली आई है माशाल्लाह मुझ में, बहुत तब्दीली, और इंसान को बदलते रहना चाहिए, ये बदलते रहना चाहिए, बिल्कुल खड़े पानी की तरह नहीं होना चाहिए। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये मैं आपको भी कहूंगा कि इंसान को खड़े पानी की तरह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उन्हीं पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं चिपक जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं पे आना चाहिए, मेरे हिसाब से पुरानी नहीं है। आपने कभी एड्रेस नहीं किया इस बात को? नहीं नहीं, पुरानी ये ढाई शादी के बाद नहीं किया आपने, इस बात को नहीं एड्रेस किया? तो सोचे उस वक्त मुझ में चेंज आ गया था, मैं आज से 3 साल पहले बड़ा हो गया था। हाँ, आप क्यों नहीं हुए? हम क्यों नहीं हो रहे बड़े? हम सबको चाहिए कि हम बड़े हो जाएं। बिल्कुल, हम निकले इससे बाहर, निकले इससे बाहर, निकले यार, ये बात। और मैं कहता हूँ आज यहाँ बैठ के हम कुछ नई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें, नई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें, जो इसी मौके पे एम होना चाहिए हमारा बस। तो इसी मौके पर हम एक, लोग थक गए हैं इन चीजों में, पुरानी में लगे हैं, तो इस मौके पर हम एक गेम खेलते हैं आपके साथ। ये करिए ना, तुमने बात, गेम का नाम है डेंजर डेक। बिल्कुल सही है, डेंजर डेक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने उसके जवाब देने, बस अब तुम इसमें वो सवाल लाओ कि मैं तुम्हें वो वाला मटेरियल बस। ठीक है, ये आज हमारी जीत या हार का फैसला करेगा। मैं सच में कह रहा हूँ ये दिल से। ओके, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को डेट कर सकें तो वो कौन होंगे या होंगी,
कौन होंगी, डेट कर सकूं, होंगे या होंगी? हाइपोथेटिकल सवाल. अच्छा अच्छा, कोई अपनी बीवी का नाम नहीं ले सकते? नहीं, हाइपोथेटिकल सवाल है. मैं बाबरा शरीफ को डेट करना चाहूंगा. बाबरा शरीफ साहब को डेट करना. बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब. कौन सी ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनको आप अपने साथ एज अ को एक्टर देखना पसंद नहीं करेंगे? पसंद नहीं करूंगा. नहीं. अपने साथ मैं देखिए, मौका दिया है आपको. अरे मैं सब, मगर मैं नहीं, या सिर्फ मौका दिया है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का आप नहीं करना चाह रहे. लेकिन एक्ट्रेसेस तुम कह रहे हो ना, एक्ट्रेसेस सारी अच्छी हैं, मैं क्यों मना करूंगा किसी के? चले एक्टर का नाम ले लें. हां, एक्टर का नाम ले लें, असफर को छोड़ के. हैं, असफर को छोड़ के किसी भी एक्टर का नाम ले लें. असफर को छोड़ दूं? हां, असफर को छोड़, मेरा दोस्त है. आपने कहा ना कि असफर जो है वो उतने अच्छे अदाकार नहीं है, तो मैंने कहा वो भी कंट्रोवर्सी पुरानी हो गई है, तो किसी नए एक्टर का नाम ले लें. अच्छा, बुरा अदाकार होना जरूरी है? जैसे भी, जो लंबी लिस्ट हो जाएगी, ये कोई शर्त नहीं है, बुरे हो या अच्छे हो. भाई आप इनके साथ काम नहीं करना चाहते? मैं एहसन खान के साथ काम नहीं करना चाहता. वजह बताना चाहेंगे? हाँ? वजह बताना चाहेंगे? उन्हें मैं बोरिंग लगता हूँ. आप उन्हें बोरिंग लगते हैं? हाँ. ओ, हमें एहसन को अपने शो पे बुला के ये सवाल प्लीज, बस ये मैं कंटेंट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सवाल रोक ले, रख लें, जब ऐसे आएंगे हम ये क्लिप चला के उन्हें दिखाएंगे. प्लीज, उनसे पूछेंगे. मैं उनका फैन इधर बना बैठा हूँ, कह रहे हैं मैं बोरिंग. ये बात, ये इस पे हम क्लैरिटी लेंगे. अगर थ्री इडियट्स का रीमेक बने पाकिस्तान में, तो आप किन पाकिस्तानी अदाकारों को चाहेंगे उसमें देखना? पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि तीनों मशहूर पॉलिटिशियन है ना, इनको चाहूंगा उसमें देखना. कौन से तीन मशहूर? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी. बिल्कुल, वेरी गुड. कोई ऐसा किरदार आपने निभाया थिएटर में, फिल्म में, टेलीविजन में, जो बाद में आपने रिग्रेट किया, यार ये ना करता तो अच्छा होता? नहीं, मैं सारे अपनी चीजें ऑन करता हूँ, मुझे नहीं. अच्छा, किसी किरदार से मसला नहीं. वेरी गुड. आपके ख्याल में हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें वर्स्ट ड्रेस्ड कौन है? वर्स्ट ड्रेस्ड एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर हैं कुछ वैसे. ले लें नाम. बहुत बहुत तब्दीली आई है आपने. नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कौन सा ज्यादा बुरा है. अच्छा अच्छा, वो मैं उन्हीं लाइंस पे भी. आसिम अजहर नहीं अच्छे कपड़े पहनता. आसिम अजहर अच्छे कपड़े नहीं पहनता. जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका करिश्मा है, मुझे उसके कपड़ों का स्टाइल नहीं पसंद. उसको पसंद है, ठीक, मुझे नहीं पसंद. कोई एक्ट्रेस जो आपको लगता है कि बेहतर कपड़े पहन सकती है? एक्ट्रेस, पता है हम लोगों की एक और मजबूरी है. आसिम को जो कपड़े बना के दे रहा है ना उसका डिजाइनर दोस्त, अब उसके लिए जो भी बनाएगा वो उसे पहनना ही पड़ेगा. अच्छा, एक्ट्रेसेस के साथ भी यही होता है कि आपको दो अच्छे जोड़े किसी ने बना के दिए और तीन बुरे, तो आपको पांच ही पहनने. किस एक्ट्रेस के डिजाइनर आपको नहीं पसंद, उनको बदल देने चाहिए अपने डिजाइन? हाँ, ये कैसा सवाल घुमाया ना भाई ने फिर. आसिम अजहर को एक्ट्रेस. तुम एस खा रहे हो ना बार बार. एक्ट्रेस. एक्ट्रेस कौन सी एक्ट्रेस? फीमेल एक्टर होता है वैसे. अच्छा, फीमेल. हाँ. बिल्कुल, काजोल साहिबा ने बोली ये बात. हाँ. एक बार मैंने सुना. शबाना आजमी ने भी बोली. उन्होंने कहा डॉक्टर का डॉक्ट्रेस नहीं होता तो एक्टर. हाँ. का एक्ट्रेस क्यों? सही बात है. तो मेरे ख्याल में किसको बदलना, कुबरा को बदल लेना. कुबरा को. हाँ. कुबरा खान साहिबा. विच पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस शुड लीव एक्टिंग? उन्हें तो अदाकारी छोड़ देनी चाहिए. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई थिंक मुझे छोड़ देनी चाहिए, मैं डायरेक्शन पे काम करना चाहिए. अच्छा, सेफ आंसर. नहीं, सेफ नहीं था. एक्टर्स की हमने बात कर ली है, अब अगर डायरेक्टर्स पे आ जाएं, कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके बारे में आप कहना चाहें यार इनके साथ मैंने नहीं काम करना? नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं क्या कहूँ किसी का. ओ भाई, लड़ाई की तो बात ही नहीं हो रही. तो मैं जैसे मैं नहीं जैसे देखे, मैं लोगों को भी शायद लगे कि ये कोई हम जानबूझ के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट. भाई सैयद नूर साहब के साथ मुझे नहीं काम करना. नहीं, चैन आया ना आपको नहीं पसंद है? चैन आया ना, मुझे नहीं चैन आया उसमें. आपको चैन नहीं आया? किसी को भी नहीं आया चैन? वो किसी को भी नहीं. अगर फर्ज करें हाइपोथेटिकली, मुझे अगर मौका मिले सैयद नूर साहब के साथ काम करने का, मैं भी शायद ना करूं. अच्छा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझे मौका मिले मैं जरूर करूं. पता है क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस और कहीं से नहीं मिल सकता. सैयद नूर साहब ने बहुत बड़ी पंजाबी फिल्में बनाई हैं, तो वो जो शायद वो बताएंगे डायरेक्शन में, वो मैं कहीं और से सीख नहीं सकूंगा. लेकिन फिर जो आजकल के हमारे माशाल्लाह डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं. हाँ. उनके साथ भी काम करके एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा. नहीं,
हाँ मिलेगा तो सही, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो आप कह रहे हैं अनमैचेबल है, अनमैचेबल है, वो कहाँ से मिलेगा? अनमैचेबल है। मुझे बताएं, हम जहाँ पे उन सेलिब्रिटीज की या एक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जिनको शायद एक्टिंग नहीं आती है, वो बेहतर काम कर सकते हैं, आपके तीन फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस कौन? इकरा का नाम मैं सिर्फ इसलिए, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, बट क्योंकि एक नेचुरल एसोसिएशन है, बायस है, तो उनके अलावा कोई भी तीन एक्टर्स। ज़ारा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बादशाह बेगम है अभी आप बिल्कुल साथ मैंने साथ काम किया, और उसके अलावा मुझे फरियाल बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है, बहुत फरियाल में, फरियाल महमूद रकीब से मैं बहुत जबरदस्त काम, अनुषा बासी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अनुषा बासी भी बहुत अच्छी। मैं सारे वो नाम ले रहा हूँ जो शायद अमूमन लोग एक सबने एक वो तीन चार की लिस्ट बनाई होती है, वही लेते हैं नाम जो कि हैं अच्छे, बट ये वो नाम है जो अमूमन लोग नहीं लेते और ये बहुत अच्छे एक्टर है। आप ऐसे मजीद नाम ले सकते हैं अगर जो लगता है आपको कि जो बहुत अच्छा काम करें उनको इनकरेजमेंट मिलेगी? हाँ नहीं, वाकई ऐसे बहुत सारे और एक्टर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ अभी और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। साकिब सुमैर एक थिएटर का एक्टर है, बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, इकरा का अब्बू बने थे वो रकीब से में, जी जी, वो कितने जबरदस्त एक्टर है। मुझे क्या नाम है जो हमजा है, सुहेल अहमद साहब का बेटा, हमजा सुहेल उसका काम बहुत पसंद आया जी, और मुझे इवन नुमान एजाज साहब के बेटे का काम बहुत ज़्यादा, यार का काम बहुत अच्छा लगा जी जी। ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं और कम ही ऐसे एक्टर्स नजर आते हैं, पोटेंशियल है उनमें, बहुत पोटेंशियल है। तो जब तक पोटेंशियल रहेगी इंशाल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री भी बेहतर से बेहतरी की तरफ जाती रहेगी और हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट क्रिएट हो। अब वक्त हुआ चाहता है एक और गेम का, वाह देखें तीन पत्ती खेल सकते हाँ। तो किसको बुलाते आप? मैं आसिम को बुला लेता, आसिम अज़र, क्योंकि म्यूजिक भी, अरे ये और ये भी सही हो जाती, टिंग टिंग, ये भी ठीक करा देता, ये भी ठीक करा देता। ठीक है, तो अब हम, अब वक्त हुआ जाता है एक और गेम का, आए आए सामने एक डार्ट बोर्ड, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज की तस्वीर आवेजा हुई हुई हैं। बिल्कुल, मेरी उर्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेहतर हो सकती है, लेकिन आप पंजाबी हैं ना, हाँ, आपकी उर्दू हमेशा अच्छी होगी, यानी कि पंजाबियों में है जबान, जबान पे उबूर है, उन्हें उबूर है जी, उबूर हासिल है। तो ये डार्ट बोर्ड है, इन पे हम फेंकेंगे डार्ट और फिर जिस सेलिब्रिटी की तस्वीर के ऊपर वो डार्ट लगा उसके बारे में आप कुछ हमें बता दें, एक अच्छी बात एक बुरी बात आप भी बताएंगे, अगर आप चाहते हैं तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, फिर बराबर से लगाते हैं। हाँ, आ जाए पहले आप। अच्छा, ओ आयशा उमर के बारे में यासिर, एक अच्छी बात और एक बुरी बात। आयशा उमर की अच्छी बात यह है कि आयशा उमर ने हमेशा बड़ी मदद की है मेरी, मुझे डाइट प्लान्स बताने में, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाने में, और वैसे भी बड़ी हेल्पफुल सी है आयशा। ठीक है, और बुरी बात, आपकी तो पहली फिल्म की आपके साथ को स्टार भी थे। बिल्कुल जी, मेरी हीरोइन थी, वो फिल्म लिखी भी पहली मैंने वो जात ने थी जी जी। तो वो की हीरोइन थी, मुझे हमेशा याद रहेंगी आयशा उमर। अच्छा, बुरी बात आयशा की ये है कि आयशा की बुरी बात क्या है, आयशा की सारी अच्छी बातें हैं, ऐसे ना करो, कोई तो दोस्तों की बात आयशा बुरी लग सकती है। बुरी बात ये है कि अभी लास्ट आयशा एक प्रोजेक्ट कर रही थी मेरे साथ और आयशा एकदम से गायब हो गई है। हाँ, ये क्या मतलब? मतलब प्लान करके गायब हो गया, वेकेशन पे, वो ट्रैवल बहुत करती हैं तो शायद वो ट्रैवल कर, ये मेरा मसला नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हुआ प्रोजेक्ट का, क्या हुआ फिर? वो फिर मैं करूंगा कॉल, मुझे याद आ गया। ओके, आपका प्रोजेक्ट था, मतलब आयशा का प्रोजेक्ट था, मुझे भी उसमें वो कास्ट कर रही थी। ठीक है, वो हुआ ही नहीं फिर प्रोजेक्ट, क्योंकि वो गायब हो गई। आयशा क्यों गायब हो गई आप? हाँ ठीक है, ओके, मेरी बारी, मेरी बारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अनुषे की अच्छी बात यह है, अनुषे इज वन ऑफ दोज होस्ट जो मैं उनका शो देखता हूँ, बड़ा उनका भी मयारी किस्म का शो वो होस्ट करती हैं, मयारी तरीके के साथ, कि उनके जो सवाल होते हैं पूछने के वो ऐसा नहीं होते कि वो कोई बीच में से स्पाइस ढूंढ रही हैं, मसाले ढूंढ रही हैं, ये बात मुझे उनकी अच्छी लगती है। एक बात जो मुझे अनुषे की अच्छी नहीं लगती है, या मैं अगर उनको सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो अपना ओपिनियन वो शेयर करती हैं शायद वो ना करें तो बेहतर है, कि बहुत सारे मामलात पे उनका ओपिनियन हमें सुनने को मिलता है,
तो आई थिंक वो लोग भी थोड़ा सा फिर हो जाते हैं कि यार कि व्हाई इज ही टॉकिंग ऑन एवरीथिंग. आपको क्या लगता है इस मामले पे? मुझे वो सेलिब्रिटी, मैं अपने पे बताऊंगा. नहीं नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं. जो सेलिब्रिटी जनरली करोगे ना, कैमरा बंद करके करो ये जनरली बातें. ठीक है, तुम अभी आओ जरा अगली में बारी पे. अड्डा तो होशियार आदि. आदि की अच्छी बात यह है कि आदि एक बहुत खुश मिजाज लड़का है. दूसरी इसकी बुरी बात यह है कि ये मिलता नहीं है. वो तो आपने बोल दिया एंटी सोशल वाली बात. ओके, दूसरी अच्छी बुरी बात ये जिम नहीं जाता. आएगा मनु दे मेरा तो दोस्त. ये आदि और नौशीन के बीच में लगा है. नहीं नहीं, नौशीन की तरफ ज्यादा है. मुझे तो आदि की तरफ ज्यादा लगा. ना ना, करीब आके देख लो. हाँ चले देख लो. चले सर, ये देखिए आदि की तरफ ज्यादा. ठीक है ठीक है, आपने तस्वीर ही उस तरफ लगाई हुई. मैंने नहीं लगाई. ठीक, आदि की अच्छी बात ये, मैं एक बार उनके शो पे गया था, मुझे उनका ह्यूमर बड़ा पसंद आया. सही है, मुझे वो बहुत अच्छे लगे. आदि की एक जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं ऑनेस्टली उनको इतना करीबी तौर पे जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में. ये मैं भी फिरोज के साथ तो आप स्कूल नहीं गया. नहीं बट उनकी दोस्ती भी रही है ना. नहीं नहीं नहीं, अब आप बताएं. मैं आप जानते हैं आदि को. आप आदि को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से. कोई ऐसी बात आपको जो लगता है उनके बारे में अच्छी नहीं? एंटी सोशल है, बहुत एंटी सोशल है. हाँ ये एक बात हो सकती है, बट उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बड़ा पसंद है. हाँ बड़े फनी है. हाँ ठीक है, आपकी बारी. आसिम, आसिम की एक अच्छी बात और एक बुरी बात. आसिम की अच्छी बात यह है कि आसिम मेरे दोस्तों की तरह नहीं, मेरे भाइयों की तरह हमारा बहुत गहरा बॉन्ड है. और वो हम 2 साल भी ना मिले तो वो वैसे ही रहता है, जब 2 साल बाद मिलते हैं वैसे ही होता है. ठीक है. और आसिम की बुरी बात ये है कि वही आसिम भी गायब हो जाता है. गायब हो जाते हैं आसिम, एकदम गायब हो गए. सब हो गए, एक बेचारी सोनिया रह गई है यार. सोनिया की तो हम वैसे ना बात कर लें. मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करता हूँ. 1 2 वो ओहो ओ बुलजाए नहीं लगा. ऑलमोस्ट अच्छा. सोनिया की एक अच्छी बात और एक बुरी बात. सोनिया की अच्छी बात यह है कि सोनिया इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. ठीक है, ये उनकी अच्छी बात है. हाँ, कि वो आप इतनी अच्छी होगी कि मेरी दोस्त है सबसे. ठीक है, ये तो बहुत सारी अच्छाइयां. हाँ, बहुत सारी अच्छाइयां होगी. और बुरी बात यह है कि सोनिया की सारी घड़ियां खराब है. टाइम पे नहीं पहुंचती वो. टाइम पे कभी नहीं उतरती वो नीचे. यार मैं भी ऐड कर सकता हूँ कुछ सोनिया के बारे में. आप बिल्कुल ऐड करें. मुझे सोनिया की अच्छी बात ये लगती है. बस गलत बात नहीं सोनिया की बताएंगे. नहीं नहीं, मैं मुझे सोनिया की अच्छी बात ये लगती है, शी इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्टर. वो तो बहुत, मुझे उनकी परफॉर्मेंसेज को मैं इतना इंजॉय करता हूँ. जो भी वो रोल निभाती है बहुत जबरदस्त निभाती है. और उनकी यही जो बात आपने की, यार मैंने सुना है उनके बारे में कि वो टाइम पे नहीं आती. मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, शी वॉज बैंग ऑन टाइम. नहीं नहीं, मैं शूट की बात नहीं कर रहा. हाँ शूट पे तो टाइम पे ही आती होंगी. अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि आप वैसे सोनिया के साथ प्लान बना लेंगे कभी. अच्छा, आप कहें सोनिया भाई 6 बजे हमें मिलना है दोस्तों में. हाँ, सोनिया को आप 6 बजे कहेंगे तो वो सुबह 6 बजे आएगी. अच्छा अच्छा. हाँ ठीक, ये मसला. वो टाइम जोन किसी टोरंटो में ना. हाँ, वापस नहीं आई. जोन बदला है जोन. हम वार्ड से वापस ही नहीं आएंगे. उनकी वेकेशन लंबी होगी. ठीक है, थैंक यू यासिर, मजा आया. थैंक यू यार, मजा आया ये गेम खेल के. मजा आया. आपने ये हाथ नोटिस किए? हाथ. हाँ, लोग ना अब जो उनको प्यारे होते हैं उनको पलकों पे उठाते हैं. हाँ, बिठाते हैं. हमने कहा हम अपने हाथों पे उठाएंगे. आपने, आपको किसी ने अपनी कठपुतली बना लिया और आपने मुझे भी बनवा दिया साथ. किसी की मजाल है. हाँ, जो मुझे तो चले बनाए ना बनाए. आपका चेक रुके ही रुके. चलो एक और गेम खेलेंगे यासिर. ये आप इसको, ये जो है बोर्ड, इसके एक तरफ लिखा हुआ है आई हैव, एक तरफ लिखा हुआ है नेवर. नेवर. ये बड़ी सिंपल गेम है. नेवर हैव आई एवर. बिल्कुल. कुछ सवाल पूछूंगा आपने. बिल्कुल नई गेम है ये. नहीं, ये बिल्कुल गरम है बोर्ड भी. अभी अभी आई है ये. हाँ, ये आई अभी है, रिलीज आज ही हुई है ये. ठीक, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना कि आपने ये किया है या आपने नहीं किया. वेरी सिंपल. कभी किसी बाहर की कंट्री में, बाहर के मुल्क में आपने कानून तोड़ा है? Never. बहुत ही शरीफ इंसान. मैंने यहां भी नहीं तोड़ा. यहां भी सिग्नल भी नहीं तोड़ा कभी? नहीं 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 नहीं. मैं रुकता हूं. सिर्फ तब नहीं रुकता जब कोई भी गाड़ी ना हो और बहुत लेट नाइट हो. कानून तोड़ दिया? नहीं ना, क्योंकि तो रात को बेटा कानून ना तोड़ो तो कोई शीशा तोड़ के मोबाइल ले जाएगा. कानून तोड़ दिया. बहरहाल आपने होटल से कुछ लगेज में आपने ट्रांसफर किया? नेवर. नहीं. हाँ, यू हैव.
कि मसलन यार मुझे किसी ने बताया था कि ये जो कई एक तो मुझे सोप्स का बहुत शौक है जी जी तो सोप में हमेशा सोप्स का शौक है आपको हाँ मुझे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सोप्स से नहाने का मैं मजा आता है अरे तो वो मैं कहीं जाता हूँ किसी अच्छे अगर मैं कॉमेडियन होता ना तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा डायरेक्टर साहब जो है वो है कॉमेडियन उनको अंदाजा हो गया इस बात से अच्छा सोप पसंद है आपको तो मैं जाता हूँ तो मैं फिर वो सोप उठा देता हूँ लेकिन मुझे किसी ने कहा कि ये चोरी नहीं है आपने जो पे किया होता है पर डे का पर नाइट का उसमें वो सारी चीजें जो वहाँ होती है वो आपके यूज करने के लिए होती है अगर नहीं की तो आप ले जाओ जैसे मुझे लगता है कभी जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो होटल में वो जो शैम्पू देते हैं ना इतना सा देते हैं तो मैं तो उनसे पहली बारी में 8-10 मांग लेता हूँ अच्छा कि भाई दो नहाना है यार है पीते भी नहीं बाल ज्यादा ना मेरे अच्छा बाल ज्यादा अपने हैं सारे अच्छा, तो मैं कहता भाई उनको मिलनी चाहिए खुराक से मेरे भी अपने बाय द वे मैंने कब कहा नहीं है नहीं मुझे लगा लोग ये ना समझे कि आजकल तो तमाम लोगों ने क्लिप ऑन्स किए हुए हैं हां ये किए हुए हैं लोगों ने पकड़े जाते हैं भाई इससे ना किया करें आपकी माशाल्लाह बहुत बहनें हैं उनके साथ कभी मेकअप किया आपने उनका नहीं उन्होंने बचपन में एक दफा एक्चुअली स्कूल में मैं बाल नहीं कटवाता था अच्छा। तो मेरी टीचर ने मुझे लिपस्टिक लगा के दो पोनीज बना के पूरे स्कूल में हर क्लास में फिराया था ताकि अगले अच्छा। दिन बाल कटवा के आए अरे ये बताएं ये क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे थे कराची से लाहौर के टाइम में आपके लंबे बाल बिल्कुल लंबे बाल क्यों छोटे क्यों कर लिए आपने वो बहुत गिर रहे थे तो इसलिए मैंने काट दिया ठीक है कभी कबीर का डायपर चेंज किया आपने बिल्कुल किया जी हर बाप अपने बच्चे का डायपर उसको चेंज करना चाहिए मुझे करना आना चाहिए और करना भी चाहिए हाँ पीपी वाला पुपू वाला दोनों दोनों ना हाँ ये तो लक पे होता है ना क्या निकले अंदर से कभी लास्ट मिनट कोई प्लान आपने कैंसिल वैसे एक मेरा आइडिया है बहुत अच्छा मैं दे रहा हूँ ऑन एयर कि डायपर बनाने वाली कंपनीज को कुछ ऐसा करना चाहिए कोई गेज के वो पता चल जाए कि क्या हुआ है अंदर सर वो तो उस साइड से झांकना जो है ना बड़ा पेनफुल है बट अमूमन महक आ जाती है नहीं नहीं कई दफा फेक अलार्म होता है अच्छा कई दफा फेक अलार्म होता है कबीर माशाल्लाह बहुत एक तहजीब वाला बच्चा है इसका माशाल्लाह 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 कभी लास्ट मिनट आपने प्लान कैंसिल कर दिया मैंने कम किए नहीं मैंने किए हाँ ठीक है आपने किए हैं हाँ अच्छा फिर इकरा से मार खाई इसके बाद नेवर ये हाथापाई वाला मजाक नहीं रखा हुआ हमने मियां बीवी ने आपस में डांट डपट वाला है डांट डपटी बहुत कम है ना होने के बराबर है मगर अगर लड़ाई ना हो तो मियां बीवी किस बात के ये तो बिल्कुल सही बात है कभी सेट पे आपका फड्डा हुआ है सेट पे फड्डा नहीं हुआ यार नहीं ये तो नहीं, 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 नहीं सेट पे फड्डा ही नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ मेरा हो गया फड्डा मैं तो अभी नया नया आया हूं आपका होगा मैंने बाहर गाड़ी देखी थी आप कर सकते हो फड्डा मैंने भी देखी थी आपकी आपकी वाली ज्यादा खतरनाक है कभी अपने से बड़ी लड़की से फ्लर्ट किया उम्र में बड़ी शादी से पहले किया हो किया हो इसमें क्या बुरी बात है अगर कोई आपसे उम्र में बड़ी है और अगर आपने फ्लर्ट किया उनसे तो मतलब ये सवाल पसंद नहीं आया मुझे नहीं नहीं तो आपको इतना गिल्ट क्यों हो रहा है मुझे मुझे अच्छे नहीं लगे मुझे लग रहा है ये सवाल बदल गया शादी के बाद कर लिया हाँ ये बुरी बात है वैसे फ्लर्ट करना मुझे बताया नहीं किसी ये कटवा देना वरना नहीं नहीं सोशल मीडिया पे आ जाओगे तो आ जाओ क्या इसमें क्या बात है कभी आपने कोई प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों के लिए किया हो ये शो वेल डन जो पैसे पैसे मिलेंगे हाँ? उससे क्या खरीदेंगे हाँ? क्या खरीदेंगे उसमें कुछ भी नहीं आएगा फिर भी कर लिया आपने इतने कम पैसों में ये तो अपने अपनी कीमत थोड़ी कम नहीं लगा दी आपने जानी क्या करेंगे करना पड़ता है करना तालुकात के लिए करना करना पड़ता है कभी घर से भागे आप हाँ घर से भागे कभी आप जरूरत नहीं पड़ी हमारे घर नेवर कर दे कभी घर से भागे घर से भागे मतलब क्या वैसे किसी के साथ भाग गए नहीं नहीं वैसे कि यार फड्डा हो गया अम्मी से लड़ाई हो गई अब्बू से लड़ाई हो गई उतना अक्सर बच्चे कहते हैं यार कि मैं तो जा रहा हूँ नहीं मैंने किया एक बार हमारे स्कूल में हमारे दो दोस्त भाग गए थे बचपन में अच्छा और वो भाग के लाहौर चले गए साथ पिंडी से इकट्ठे भागे दोनों पिंडी से भाग के लाहौर दाता दरबार से पकड़ के लाए उनको तो वो क्या उनके जहन में चल रहा था कुछ पता चला वो बस घर से तंग थे दोनों अच्छा कि पढ़ाई बहुत कराते हैं हालांकि हम जिस स्कूल में थे वहीं पढ़ाई नहीं होती थी कभी आपने अपनी एज के बारे में झूठ बोला है
मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरी एज उस पे क्या होता है विकिपीडिया पे गलत 2 साल ज्यादा लिखी गया, लिखी दो ज्यादा लिखी, पर मैंने वो भी चेंज नहीं किया। ठीक है, बट क्लैरिफाई हो गया आज कि विकिपीडिया पे जो भी एज लगी असल में आप उससे 2 साल कम। हाँ वो ज्यादा लिखी हुई है मगर मैंने चेंज नहीं किया, उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क नहीं पड़ता आपके इस बात से। ठीक है, कभी किसी को स्टार से प्यार हुआ आपको? को स्टार से प्यार नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं इस बात को अच्छा भी नहीं समझता। अच्छा? हाँ, कि आप वो प्यार होता भी नहीं है जो को स्टार से ही हो जाए। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका। अच्छा वैसे ये मैं गलत कह रहा हूँ, प्यार नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है जिससे भी हो सकता है, लेकिन मैंने हमेशा ये तब्दीली आ गई है यार। नहीं, मैंने हमेशा जिंदगी में यही सोचा कि जहाँ काम करो वहाँ ना कुछ करो, वहाँ ना कुछ करो। ऐसा हो सकता है कि जब शादी हो जाए फिर उनके साथ काम कर लो। हाँ मैंने यही किया, शादी के बाद काम किया। ठीक है, टोपियां करवाई हैं कभी? काम से बचने के लिए आपने टोपी करा दी हो किसी को? यार आज मेरा दिल था कि आपको नहीं करा पाया, आज मेरी शूट कैंसिल हो गई थी और मैंने यहाँ शूट के बाद आना था, तो मैंने सोचा कि करा नहीं पाया, लेकिन मैं नहीं कर पाया, टोपी करा नहीं करी, नहीं करता मैं। कभी आपने किसी को प्रैंक किया हो और इल्जाम किसी और पे लगा दिया हो? हाँ। सुनाना चाहेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मगर ऐसा बहुत हुआ है कि मैं प्रैंक्स कर लेता हूँ लोगों के साथ और किसी और पे डाल देता हूँ। प्रैंकस्टर हैं वैसे आप जनरली? हाँ, क्योंकि एक कॉमेडी का एलिमेंट हमें पता है। हाँ, तो असल जिंदगी में वो हंसी मजाक शुगल चलता है। हमने अपने दोस्त को बेवकूफ बनाया था लड़की की आवाज से। अच्छा? और उसको एयरपोर्ट बुलाया था और वो जब एयरपोर्ट जा रहा था और वो गाड़ी में बैठा तब हम फूल वूल लेके जा रहा था, तब हमने उसे रोका और बताया कि भाई वो मैं ही हूँ। अच्छा? वो फिर बड़ा एक ही कॉल पे? हाँ एक ही कॉल। नहीं नहीं, टाइम लगाया था। टाइम लगा? ओ मैंने तू ही पकाया। हाँ, क्रेडिट भी वही भेजता। ठीक है, वैसे तो यासिर ने प्रिडिक्ट कर दिया कि शायद मुझे चेक ना मिले, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश जारी रहेगी कि यार बहरहाल चेक किसको नहीं अच्छा लगता, जैसे मैंने पहले कहा। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। माशाल्लाह, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, फिल्म, टीवी, थिएटर, इतना सब कुछ करते हैं, इतनी सारी हैट्स पहनते हैं आप। आपकी शख्सियत का कोई ऐसा ट्रेट है, पर्सनैलिटी की कोई ऐसी बात है जिससे हम अभी तक ना वाकिफ हैं? मुझे म्यूजिक और पोइट्री का शौक है। अच्छा? तो यार सुनाए ना कुछ। मैं खुद करता नहीं हूँ शायरी, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त शायर हैं, अली जरियून मेरे दोस्त हैं। अच्छा? तो उनसे सुनता हूँ और लोगों से सुनता हूँ। कोई फेवरेट आपकी नज़म या शायरी का? फैज साहब की बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता भी हूँ कि उनको पढ़ा जाए, क्योंकि उनको उस उतना ज़्यादा नहीं, अब वैसे बहुत पढ़ा गया है लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कम पढ़ा गया। फैज़ को जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो उनकी एक नज़म है, मुझे वैसे तो याद है लेकिन कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं उसे निकाल लेता हूँ। ये फैज़ साहब की नज़म है, इसका उनवान है ढाका से वापसी पर, और ये वाकई जब वो ढाका से आए थे तो उन्होंने लिखी थी। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे खत्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही ना दी, कुछ गिले शिकवे ही कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद, जैसे आज के शो में कई बातें अनकही ही रह गई और उन्हें अनकही रह जाना ही, वो रह जाना ही, अनकही रह जाना। कितने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरत शायरी। ये बड़ा अलमिया है कि हमारे दौर, आजकल के दौर में इस तरह की थॉट प्रोसेस ही नहीं है, या लिखा नहीं, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। ये तो लेजेंड्स है ना, ये तो लोग वो हैं जो एक ही दफा पैदा होते हैं, लाइक इकबाल, गालिब, फैज, ये बार डिफरेंट एरास में बिल्कुल होते, लेकिन अब भी बहुत अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं और हमें और आपको अंदाजा नहीं है कि कितने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं इसी कराची शहर में, इंटीरियर सिंध में, सखर में, और लाहौर में, पेशावर में, डी आई खान में, इन जगहों पे इतने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, मतलब हज़ारों की
खलकत होती है उसमें, लेकिन वो कहीं टीवी पे नजर नहीं आता, टीवी पे नहीं आता। गोइंग बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन के आर्ट की रिकॉग्निशन ऑन अ नेशनल लेवल है ही नहीं, नहीं है। मतलब अगर मैं आपके ख्याल में सेलेबल हूँ और आपने मुझे शो पे बुलाया, तो मैं चाहूंगा कि आप किसी दिन मेरे जैसे किसी और आर्टिस्ट के साथ एक शायर को भी बुलाएं, किसी सारंगी नवाज को भी बुलाएं, फ्लूट प्लेयर को भी बुलाएं, क्यों नहीं। वाकई यासिर, आप खुद भी लिखते हैं? मतलब पूरी कहानी के बाद बंदा पूछे लैला मजनू में से, मजनू मुड़ा सी या कुड़ी सी, वही वाली बात होगी। नहीं शायरी, शायरी मैं नहीं लिखता, शायरी नहीं। डायरी भी इतनी अच्छी शायरी हुई है, मैं उसमें मैं क्या ही ऐड कर लूंगा। डू यू कीप अ डायरी? डायरी में लिखते चीजें? नहीं, बहुत पहले बचपन में थी एक डायरी, अब नहीं है। अब डायरी का जमाना ही चला गया, डायरी के जमाने, ये फोन ने सभी ले लिया, डिजिटल डायरी आ गई अब। हाँ, इंस्टाग्राम, यस, ये हमारी डिजिटल, लिखता हूं मैं। ये सबकी डिजिटल डायरी है, उसमें हम अपनी अपनी चीजें लिखते रहते हैं। यासिर, आपके जो फैंस हैं जिनको बड़ा बेचैनी बेताबी से इंतजार रहता है, जैसे हमने देखा भी फीडबैक आया लोगों का, उन्होंने कहा यार कॉमेडी ड्रामा कब करेंगे, अगला ड्रामा कब करेंगे, थोड़ा ज्यादा काम करें, उन सबको क्या आप बताना चाहेंगे? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक थी लैला आ रहा है उसमें आप, अच्छा सुनने में कैसा लग रहा है, एक थी लैला आ रहा है तो वो उसमें मैं आपको नजर आऊंगा एक्टिंग करते हुए भी, तो वो एक प्रोजेक्ट है। बाकी अगर जावेद इकबाल लगती है तो वो एक फिल्म है। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक जावेद इकबाल 2 पे काम कर रहे हैं अभी फिल्म के लिए तो, और बाकी मैं एक चीज लिख रहा हूँ, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है इंशाल्लाह। लिख रहे हैं? हाँ जी। टीवी के लिए, फिल्म के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए? हाँ। माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब आप वो लिख लेंगे और जब हम उसे पर्दे पे देखेंगे तो हम सब उसे बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आए अब एक ऑन दैट नोट यासिर, आए ये जो लोग हमें टेलीविजन की स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उनके थोड़ा और मजीद करीब लाना चाहिए, और मैं उनके सहन में चले जाते हैं, क्यों नहीं। हाँ, क्यों नहीं? Not? उनके लाउंजेस में तो हम ऑलरेडी हैं, बिल्कुल, तो सहन में क्यों नहीं जा सकते। बिल्कुल। मैं यासिर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये मेरी यासिर से ऑन कैमरा जिंदगी की पहली इंटरेक्शन थी। यासिर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बिल्कुल बहुत और अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज बहुत सारी चीजें थी आपके बारे में जो मैंने समझी, जो कि पहले मुझे नहीं पता था। थैंक यू। उनमें से सबसे जरूरी ये कि यासिर में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मैंने कहा हमारे मुल्क में तो आई नहीं तो मुझ में ही आ जाए, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और आई थिंक लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिलेगी इस चीज से, अल्लाह करे ऐसा, क्योंकि जिसको जिन स्टार्स को, जिन सेलिब्रिटीज को लोग बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, जब उनकी ग्रोथ देखते हैं या देखते हैं कि उनके सामने उनमें कितना तब्दीली या बदलाव आ रहा है, उससे वाकई में वो बहुत सीखते हैं। और आपके तो बहुत फैंस हैं माशाल्लाह दुनिया भर में। जाते जाते उनकी आंखों में आंखें डाल के क्या कहना चाहते हैं यासिर? मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, और बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें फैज़ साहब भी पढ़े जाते हैं और उसके अलावा तमीज़दार सवाल भी होते हैं, तो ये उनमें से एक शो है, इस शो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू यासिर। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी इस बात की कि आपने जाते जाते इस शो को तमीज़दार शो का एक लकब दे दिया। ये बहुत तमीज़दार शो है। थैंक यू। ख्वातीनो हज़रात, ये थे आप सबके चहीते यासिर हुसैन। दिस इज द टॉक टॉक शो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी आपके एक और चहीते गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।